सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे आई होप आप पहले से ही अवेयर हो गए होंगे हमारे थंबनेल को देख के। बेसिकली मैं ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो कि फार्मेसी से रिलेट करते हैं, या हम कह सकते हैं वो स्टूडेंट जो कि फार्मासिस्ट बनने का जुनून रखते हैं। हम बात कर रहे हैं JSSC की तरफ से आई हुई बहुत ही बड़ी वैकेंसीज अब तक की। ओके एंड लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है ई फार्मेसी स्टडी, ये आपके लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके लाता है जो कि फार्मेसी से रिलेट करती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस चीज़ से अपडेट हो सकें। ओके एंड हम लोग इस तरीके की वीडियोस बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल में ज़रूर आप जुड़ें। ओके एंड अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो कि फार्मेसी रिगार्डिंग थी, जो कि फ्रेशर्स के लिए भी थी और आपके ट्रेंड लोगों के लिए भी थी। ओके एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे इस चैनल में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं जो कि JSSC की तरफ से वैकेंसी है, दैट मीन्स झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी है, चलिए डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली में इसमें और भी वैकेंसीज निकली हैं लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे फार्मासिस्ट की। सो इसमें अगर हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क जो है, दैट मीन्स जो आपका एग्जाम फीस रहने वाला है वो 100 रुपीज़ है, तो ये बहुत ही कम पैसा आपका इसमें जाने वाला है, ठीक है। फॉर्म फीस 100 रुपये ही है। अब हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की, क्योंकि इस चैनल में बात होती है फार्मासिस्ट की। इसमें एक बहुत बड़ी वैकेंसीज निकल के आ रही हैं जो कि 560, दैट मीन्स 560 वैकेंसीज़ हैं। ओके सो ये सारी वैकेंसीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सारी चीज़ों को। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका जो एजुकेशन स्टेटस है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं इस चीज़ की। सो ये आप देख सकते हैं इसमें जो आपका पदनाम, दैट मीन्स जो आपका एक तरीके की रहने वाली है, ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है, जो कि समूह गा की वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 29,200 से लेके आपको 92,300 रुपये। ओके दैट मीन्स 29,200 रुपीज़ से लेके आपका 92,300 रुपीज़ तक आपको मिलेगा। ओके ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से फ्रेशर्स के लिए, या बोल सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सैलरी रहने वाली एज अ स्टार्टिंग। ओके सो अगर इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो मान्यता प्राप्त संस्थान 10वीं या मेरिट, जो आपकी एक तरीके से 12वीं है, 10+2, ओके वो आपको ISC से उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की, मींस जो आपकी तकनीकी लाइक योग्यता है, दैट मींस टेक्निकल एजुकेशन, वो आपकी राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची पटना अथवा भारत सरकार राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी बी फार्मा उत्तीर्ण, दैट मींस आपको जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट का एक तरीके से जहाँ भी अप्रूवल वाला कॉलेज है, आपको वहाँ से फार्मेसी डी फार्मा और बी फार्मा लाइक डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी से कंप्लीट होना चाहिए। ओके एंड इसमें जो नेक्स्ट आपकी कंडीशन आ रही है वो ये है कि अन्य शर्त, दैट मीन्स नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन रहने वाली है, झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड के आपको निबंधित होना चाहिए, दैट मीन्स आपको आर एम पी रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, लेकिन आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड राज्य फार्मेसी, दैट मीन्स झारखंड की जो आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन झारखंड का होना चाहिए। तो अगर अभी तक आप झारखंड से नहीं रजिस्टर्ड हैं तो आप बाद में रजिस्टर्ड करा लेना, लेकिन एटलीस्ट आपको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। ओके लेकिन एटलीस्ट आपको झारखंड से करा लेना चाहिए, ठीक है। तो आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं कहीं से भी हैं। तो आई होप अगर आपको ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना जा रहा हूँ कि मेरा एक और चैनल है ई स्टडी फार्मेसी,
ओके ईस्ट डी फार्मेसी एक हमारा और चैनल है, उसको उसकी मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां भी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है हम इसमें कई सारे अदर्स इंफॉर्मेशन जो कि रिगार्डिंग होती हैं आपकी फार्मेसी से, ओके एंड आपकी जॉब से, फ्रेशर्स के लिए भी हम जॉब की कई सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि हम इस चैनल में डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो हम उस सारे चैनल में डिस्कस करते हैं। तो जाके आप वो चीज़ों को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा स्टूडेंट हैं तो आपके सेमेस्टर की भी तैयारी हम लोग वहाँ पे कराते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, जो भी लाइक आपका एग्जिट एग्जाम है डी फार्मा का, उसकी भी हम लोग वहाँ पे प्रिपरेशन कराएंगे, इसलिए आप जाके वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।